First of all, it's his birthday, so I want to wish him a very happy birthday. In fact, gentlemen, Pride Awards, I think, for 4 years you are doing. और एक वंडरफुल अवार्ड है यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं जो इनके दोस्त हैं वी आर कमिंग हियर एज फ्रेंड्स हमारे हम यहाँ पर दोस्ती की वजह से आते हैं इनके साथ बहुत हमने काम किया मेरी पहली फिल्म से आखिरी फिल्म तक सारे बॉडी फिल्म ही किए तो वी हैव अ डीपर रिलेशनशिप आई विश ऑल द बेस्ट अवार्ड्स के लिए जन इनके हार्दिक शुभकामनाएं और इनकी जो भी नई चैरिटीज शुरू हो रही है जो चैरिटीज कर रहे हैं उनके लिए भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं I'm here to clap. इसके लिए भी तो लोग चाहिए ना एक परफॉर्म करेगा एक लेगा ताली कौन बजाएगा अवार्ड देने के लिए सर स्टेज पे जाएंगे ना माय अपकमिंग फिल्म विल बी धमाल 3 एंड माय मराठी फिल्म माउली थैंक यू देखिए सबसे पहले योगेश जी को क्योंकि आज उनका बर्थडे इसलिए हैप्पी दिवाली एक्चुअली बर्थडे पे तो यार बर्थडे की शुभकामनाएं दी जाएंगी एंड आई विश योगेश भाई अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मैं तो उनको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता और ये तो अच्छी बात है और जैसा कि उनका नाम है ब्राइट वैसे ही हर चीज उनकी लाइफ में ब्राइट है अवार्ड भी ब्राइट है आज की शाम भी ब्राइट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की गिविंग शाम और ज़्यादा ब्राइट रहे और सितारे सारे जमीन पर आएंगे और इस कमरे में बस जाएंगे और हम सब उनका मजा लेंगे अच्छी बात है क्योंकि अगर आम लोगों तक ये बात पहुंचानी होती है कि ये फिल्म आ रही है तो प्रचार का एक बहुत बड़ा नाम है ब्राइट और योगेश भाई हमेशा ये कोशिश करते हैं कि घर घर तक ये बात पहुंचे कि वैसे है कहने के लिए आउटडोर मीडिया लेकिन ये आउटडोर मीडिया घर के अंदर तक भी पहुंच चुका है और हर बार घर के अंदर के लोगों को ये पता होता है कि ये फिल्म या ये बड़ी चीज़ बाजार में उतारी जा चुकी है क्योंकि ब्राइट उसकी होर्डिंग लगाता है थैंक यू सो मच गाइस Thank you.
who's asking? तो बहुत ही पुराना है. जब मैं छोटी थी इंडस्ट्री में आई थी व्हेन आई वाज अ स्ट्रगलर, तो फर्स्ट टाइम योगेश जी ने पूरे स्ट्रीट पर मेरे पोस्टर लगाए थे परदेसी आके, तो तब से मेरा रिश्ता है. और जब भी उनका बर्थडे होता है, आज तक मैं उनका वो पैसे चुका नहीं पाई हूँ इसलिए उनके बर्थडे में आके मैं होर्डिंग्स के पैसे चुका रही हूँ. और यू नो ही इज सच अ नाइस पर्सन. और उनके बहुत सारी बर्थडे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये केसर जी प्लीज आइए. केसर जी हमारे हॉर हॉर जसलीन के डैडी है. मैं अपने आप को ले आई बर्थडे के लिए. मुझसे अच्छे एक्सपेंसिव क्या गिफ्ट हो सकती है. देखिए मैं आज बताना चाहती हूँ कि जब मैंने कहा था कि आई वॉन्ट टू डोनेट माई बुक्स, यू नो उसके पीछे एक रीज़न है कि शायद आपको पता नहीं है, हॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने अपने ब्रेस्ट टिश्यूज जो है वो डोनेट करने वाली है कि करेगी भी, तो मैं उनको फॉलो कर रही हूँ. क्योंकि जो भी कैंसर पीड़ित वुमेन होती है जिनका ब्रेस्ट कैंसर होता है, अगर उन्हें ब्रेस्ट टिश्यूज़ दिया जाए तो उनके बहुत चांसेस है उनके बचने के. तो शायद हॉलीवुड के लोग आके यहाँ बोलेंगे तो आप लोग वाह वाह करेंगे, है ना. बट आपकी अपनी राखी सावंत बोले तो आपकी नज़र सीधी इधर जाती है. वाई यू नो. हेलो गाइस, तो मैं भी एक सोशल वर्क कर रही हूँ और ये अच्छी बात है. कोई आई डोनेट करता है, कोई लंग्स डोनेट करता है, कोई किडनी, कोई कुछ न कुछ डोनेट करता है. एंड आई हैव डिसाइडेड टू डोनेट माई बुब्स टिश्यू. तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं हमेशा कुछ अलग करती हूँ. मुझे बिग बॉस 12 बहुत पसंद है और अनूप जी और जसलीन की जोड़ी तो ऑसम है, मज़ेदार है. मैं रोज़ देखती हूँ और रोज़ उन्हें प्रमोट करती हूँ. ओके, किस तरह से आप प्रमोट करें, थोड़ा सा मुझे एलाबोरेट करें. जसलीन को तो मैं बचपन से जानती हूँ. जब मैं बहुत छोटी थी और जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम आई थी, जब मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं पता था और डांस का डी भी नहीं पता था, तब मुझे केसर जी ने ब्रेक दिया था उनकी फिल्म में. तब जसलीन भी छोटी थी और मैं भी छोटी थी, तो मैं जसलीन को जानती हूँ. बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत टैलेंटेड है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है. ओके, अनीशा सिंह जो एक्ट्रेस है वो वहाँ पर उन्होंने अनूप जलोटा जी कास्टिंग काउच करते तो उनकी अपनी मर्जी है ना. वो आप लोगों को पूछ के तो कास्टिंग काउच करेंगे. शुरू में बहुत ही बैड रिएक्शन था लेकिन अभी नॉर्मल हो गया. देखिए वो एक पिता है लेकिन उनका हार्ट गॉड है एंड बिल्कुल वो एकदम फ्रैंक पिता है कि उनकी बेटी की जो मर्जी है उनकी मर्जी है तो मैं क्या करूँ. हाँ देखो जसलीन का अपना दिल है, चाहे अनूप जलोटा जी पे आए या किसी और पे आए. अरे हैप्पी बर्थडे, क्या बात है, असली स्टार तो यहाँ है. जसलीन के डैडी है, जसलीन जो बिग बॉस में है ना उनके डैडी, क्या बात है, वाह असली हीरो तो ये है. पहले तो मैं योगेश जी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ. एंड आप जियो हज़ारों साल और ऐसी प्लीज़. मैंने कहा कि मैं जब आपने मेरा बिग बॉस का मेरा जब परदेसी का पोस्टर लगाया था हर जगह, आज तक मैं पैसे चुका रही हूँ हर बर्थडे में आपके. ही सच ए नाइस पर्सन एंड मैं बहुत विश करती हूँ और बहुत ही बधाइयाँ देती हूँ. और शिल्पा शेट्टी जी के क्या कहा था आपने, कहाँ पे दिस इज़ रियली रेडिकुलस. शिल्पा शेट्टी शी इज़ अ सीनियर आर्टिस्ट बॉलीवुड में और ऐसे सिर्फ कलाकारों का बैक क्यों चेक किया गया, यू नो. ये तो ये अगर रूटीन है तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट स्पेशली उनका बैग चेक किया गया तो दैट इज़ रियली बैड. ऐसा नहीं करना चाहिए जी. डेफिनेटली मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो है उनके बैग ना चेक करें, उनको चेक करें, मतलब सेलिब्रिटी को खुद चेक करें उनके बैगों में क्या रखा है, जो हम में रखा है बैग में क्या रखा है, यू नो. थैंक यू.
लखानी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। मेरा नाम पवन कौशिक है, मैं उनके विशेष आग्रह पर गुड़गांव से आया हूं, और क्योंकि आज बड़ा विशेष दिन है, उनका जन्मदिन है, तो यही कहना चाहूँगा कि प्रभु उनको और अधिक उन्नति दे, उनको स्वस्थ रखे, सदैव वो उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे योगेश सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी, उसमें कोई संदेह नहीं, योगेश लखानी जी कर्मयोगी हैं, और कर्म और अधिकारों का विशेष आपस में बड़ा गहरा संबंध होता है। जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसको सफलता और अधिकार मिलते ही चले जाते हैं। देखिए आज इतना खुशी का दिन है, सब लोग आए हुए हैं, और तुम जियो हजारों साल, यही हमारी दुआ है। और आज मुझे आकर बहुत ही खुशी, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि योगेश जी ने जो एक कदम उठाया है का, और जिस तरीके से हम लोग कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा रहा आकर, और आप जिए हजारों साल, ये है हमारी दुआ। शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनकी आज जन्मदिन पे। योगेश भाई पूरे इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करते हैं, हमेशा बहुत प्यार देते हैं हम सभी एक्टर्स को, सभी टेक्नीशियंस को, और योगेश भाई आपको बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन की। ऐसे ही अच्छी तरह से हमें प्यार करते रहिए और अच्छा अच्छा काम करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन ब दिन जवान होते जा रहे, और जवान हो जाओ। ब्राइट परफेक्ट मिसेस इंडिया 29 सितंबर को हो रहा है, ब्राइट परफेक्ट मिसेस इंडिया फॉर मैरिड वुमेन्स। Here has always been a strong pillars for perfect family. Family, family, it's more than a family. और आप सब भी हैं। Yes, Sumit.
I think you should thank my, I should thank my stylist, and I hope she's doing a fine job. Thank you, Sumit. Thank you. Some recognition which takes them at a different level. Thank you. Bollywood mein aayi hu tab se hum log saath mein celebrate kar rahe hain aur main chahungi ki jo bhi honor aap ko mila hai wo chamki aur saath mein acha lagta hai ma'am aap bahut hi cool lag rahi hain as an industry are really collaborative with them.
my biggest idols, and any praise from Sonu ji, mujhe bahut khushi milti hai. So for me, it's as if my guru has praised me. That's it. Lot of songs, lot of non-film songs, lot of film songs. मैं अपने काम के बारे में ज़्यादा कहता नहीं हूँ जब तक आता नहीं है. So I'm going to be very quiet about it. And whenever it comes, it'll be the best. क्या है वो? मुझे पता नहीं. वो अंदर गा रहा हूँ मैं. चलो, see you guys. योगेश जी जितने हाइट में छोटे हैं वो उतने ही डीप इंसान हैं और उतने ही जमीन तक जुड़े हुए हैं. पूरे ज़मीन के अंदर भी है. आज इतना बड़ा देखिए, इतना बड़ा अवार्ड शो अपनी मेहनत से अकेले आदमी ने खड़ा किया है. तो और वो क्योंकि वो इतने अच्छे आदमी, चैरिटी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े. योगेश भाई को अपनी एक पीआर कंपनी खोलनी चाहिए. उनका जितना रिलेशन लोगों के साथ है हिंदुस्तान में हमने नहीं देखा किसी के साथ. और एक तरीके से जो जब इतने सारे अवार्ड्स आते हैं साल के, तो उसमें अब ऐसा हो गया है कि ब्राइट अवार्ड हो रहा है. एंड उनका प्यार है और भगवान करे कि ही ग्रोज मल्टीपोल टाइम्स. तो सबको, सबके साथ ऐसी रिलेशन बना के रखे. कि आज के ज़माने में इतना ज़्यादा लेवल ऑफ फैशन इज गॉन सो हाई, तो बेसिक तो हर आदमी को ड्रेसअप होना चाहिए. अपनी फिटनेस, हेल्थ, यही फ्यूचर है. और ये सब आप लोगों का प्यार है, मीडिया का प्यार है. तो हमें लगता है कि कैमरा में अच्छे दिखने चाहिए. तुम जिम जाते हैं सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता था बचपन से. एक दूसरे कपड़े हम लोग चुरा के पहन लेते थे. मेरे पहन लेता था, मैं इसके. आज मैंने मनमीत का ब्लेजर पहना है और मैंने टी शर्ट इसकी पहनी है. बचपन से जानते हैं और बचपन से बहुत ही हार्ड वर्किंग और एक्स्ट्रॉर्डनरी लड़की है. और उनके साथ हमारा 8 तारीख को बहुत बड़ा सिंगल आ रहा है, थाड़े रही हो, और वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा. हाँ, तो 8 तारीख को हमारा थाड़े रही हो सिंगल आ रहा है, राजस्थानी गाना, पहली बार मीत ब्रदर्स और कनिका. Please allow me to ask you about the company.
सिखा करके हम लोग ने फटाफट सीख करके कर डाला. मीडिया वालों से और सब लोगों से सुनने मिला कि हमने बहुत अच्छा किया, सो आई एम वेरी 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 हैप्पी. एंड मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मुझे मतलब कर लिया और हो गया अच्छे से, तो आई एम वेरी हैप्पी. साथ में श्री थी, वो बेचारी, उनको थोड़ा सा लेट हो गया, वो चली गई. मेरे साथ ये है अभी फिलहाल संचिति. आप क्या कहेंगे आज बहुत एक्साइटेड थी मैं, लेकिन स्टेज पे जाने के बाद सब एक्साइटमेंट चला गया मेरा. मतलब मैं डर के एकदम ये हो गई थी, डर गई थी. सो लेकिन बहुत अच्छा हुआ, एज लाइक एकता दीदी सेड कि अच्छा किया. सो थैंक यू. कौन सा गाना गाया था? मैंने तीन गानों का मेडली गाया था. फर्स्ट सॉन्ग था आशिक बनाया, देन दिल पर, एंड देन अभी तो पार्टी शुरू हुई है. ऐसे नहीं. आज की रात है, कल से वही सिया पे है, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं, सब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. टन 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 टन. थैंक यू. दिस हाई फाई.